मैकडोनल्ड्स वालों ने आज फिर से मेरे साथ किया फ्रॉड। गाइस आप लोग भी मतलब यू नो ऑनलाइन खाना वगैरह मंगाते हो, मैं भी बहुत ज़्यादा मंगाती हूँ। जब भी मैं वीडियोस वगैरह यू नो शूट करती हूँ और मेरा मन करता है कुछ खाने का और यू नो टाइम नहीं होता है, तो आज मैंने ऑर्डर किया मैकडी से बर्गर। 3 बर्गर किए थे, अपने घर वालों के लिए भी कर लिए थे, अपने लिए किया था, और उसके साथ चोको मिल्क शेक किया था और फ्राइज किया था। तो हुआ कुछ ऐसा, इससे पहले मेरे साथ हो चुका था ये वाला जो इन लोगों ने फ्रॉड करते हैं ना, मतलब अगर ज़्यादा कुछ मंगाते हैं तो एक चीज़ कम कर देते हैं। तो आज फिर इन लोगों ने मेरे साथ किया। कुछ दिन पहले मैंने मंगवाया था जब मेरे घर में कुछ काम चल रहा था फर्नीचर वगैरह का, तो उस वक्त मैंने बर्गर मंगवाए थे, 5-6 बर्गर मंगवाए थे। उस वक्त 5-6 में से एक बर्गर मिसिंग हो गया था। मतलब आपने देखा है कि इतने लोग मेरे घर में, इतनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने बर्गर मंगा लिया। अब जब मैंने खोला उसमें बर्गर एक कम निकला, तो मतलब वो अजीब सा होता है मोमेंट कि यार सब खा रहे, एक को नहीं मिल रहा है। तो आज फिर मेरे साथ ये चीज़ हुई, मैंने आज ऑर्डर किया। मतलब वो उस चीज़ को मैंने थोड़ा कैजुअली लिया था, मैंने ईमेल तो कर दिया था लेकिन उस चीज़ को मैंने बहुत ही कैजुअली ले लिया था। और आज फिर मैंने किया काम, मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो शूट कर लिया, उसके बाद मैंने चलो ऑर्डर कर देते, भूख लग रही हैगी। और मैंने 3 बर्गर किए और मिल्क शेक किया और फ्राइज थी साथ में। अब वो बंदा लेकर के आ रहा है, इतने टाइम के बाद बंदा लेकर के आ रहा है, तो डिलीवरी मतलब वाला था थोड़ा सा मतलब अकड़ू टाइप का मुझे लगा। तो पहले तो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था, बोल रहा था आप रोड पे हो, मतलब मैं घर से रोड के लिए डिलीवरी का अपना जो खाना है वो लेने के लिए जाऊँ। तो मैंने उसको बोला भैया अंदर आओ, सभी लेकर के आते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी आधा घंटे से ज़्यादा ही हो गया था। फिर वो बंदा आया, अब वो आया तो मेरे पास छुट्टा नहीं था, ऑनलाइन मुझे देना नहीं था उस वक्त, तो मैंने उस 500 का नोट दिया, उसके पास छुट्टा नहीं था, मैं लेने के लिए गई। और मुझे उस वक्त फील हुआ कि उसमें कुछ तो मिसिंग है, और मुझे पुरानी वाली चीज़ याद आ गई कि कुछ तो मिसिंग है, देख ले तू। मैंने क्या किया, जब मैं गई, मतलब मैं अपने घर भी नहीं गई, अच्छी चीज़ थी कि मैं अपने घर नहीं लेके गई। तो मैं जब गई लेने के लिए तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा अरे इसमें तो मतलब मिल्क शेक है ही नहीं। उस बंदे को जाकर के दिखाया कि देखो उसमें मिल्क शेक नहीं है। बोला ऐसे कैसे, वो मुझसे लड़ने लगा, बोलने लगा कि क्या बोलते हैं आप फिर उधर क्यों गए। मैंने कहा पैसे थोड़ाने गई थी, आप मुझे क्या चोर समझ रहे हो। मैं चोर थोड़ी ना हूँ कि एक मिल्क शेक के लिए मतलब मैं अपना यू नो एक मतलब एक मिल्क शेक की क्या मतलब बोलूँ। एक उसने मुझे बोला कि एक बहुत बुरी तरीके से उसने मुझे बोला, तो मुझे बोलना पड़ा कि भैया मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है आप इस तरीके से मुझे बोल रहे हो। अब वो बंदे ने मतलब उनको कॉल मिलाया जोमेटो वाले को, टीम वीम वालों को, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने उनको पूरा वाक्य बताया, पुराना वाला भी वाक्य बताया, फिर उसमें वो मिसिंग था। अब वो बोल रहे हैं कि जो चीज़ मिसिंग है उसका तो प्राइस नहीं दिया, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो ऐसे एक्सेप्ट करिए और पूरा पैसा दीजिए। मतलब तो मैं क्यों दूंगी यार, मतलब मैं पूरा पैसा भी दूंगी और जो चीज़ मिसिंग है उसका ही पैसा दूंगी, बल्कि वो चीज़ मैंने पी भी नहीं है। अच्छी चीज़ मेरे साथ मतलब ये हो गई कि उस चीज़ को मैंने घर के बाहर ही खोल के देख लिया, वो चीज़ मिसिंग है। तो गाइस कभी भी ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कभी भी देखो मतलब इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे लेकिन मूड ख़राब हो जाता है यार। ये लोग मतलब ज़्यादा सामान मंगाओ तो कुछ चीज़ मिसिंग कर देते हैं, सोचते हैं कि कस्टमर बेवकूफ़ है, आसानी से लोग मैकडोनल्ड्स वाले बेवकूफ़ बना देते होंगे। तो उन्हीं के लिए खास करके वीडियो है कि यार चेक करके भेजो, ऐसे बेवकूफ़ मत बनाओ। क्योंकि इतनी देर से मैंने आधा एक पौन घंटा हो रखा है इंतज़ार कर रही हूँ खाने के लिए, और फिर पार्सल आया वो भी मिसिंग था, ऊपर से वो लोग कह रहे हैं कि अरे मतलब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा मूड तो बहुत ख़राब हो गया। फिर ऑप्शन ये था कि आप पूरे पैसे देकर के या तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो पहले मैंने सोचा कि जो बर्गर है वो ले लूँगी, जो चीज़ मिसिंग है उसका पैसा क्या बोल दूँगी, मतलब उसको पैसा काट ले वो लोग, उसका पैसा मैं नहीं दूँगी। तो बोलते नहीं पूरा पैसा देना पड़ेगा। मैं क्यों पूरा पैसा दूँगी यार, मैंने मना कर दिया भैया ले जाओ। और मेरी इतनी ज़ोरों से भूख लग रही है, मूड ख़राब हो गया, मतलब फुल ऑन मूड ख़राब हो गया। मैं एक तो इतनी फूडी गल हूँ, मतलब खाने के टाइम मेरे को खाना मंगता है, मेरे घर वालों को भी चाहिए था, भूख लग रही थी, शाम का जो टाइम होता है इवनिंग स्नैक चाहिए होता है, तो मैंने मंगा लिया और इतना मूड ख़राब कर दिया। आइंदा से आप लोग भी चेक करके ही लीजिए, फ़ौरन वापस करिए मेरा। जो अब मैं मैकडोनल्ड से कुछ भी नहीं मंगाऊंगी क्योंकि मेरा मूड जो है ना पूरा पूरा ख़राब हो गया है। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके साथ मैंने ये वीडियो शेयर किया। थैंक यू।